नमस्कार स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स में मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भारत गया न्यूजीलैंड और कहा जा रहा था कि 12 साल से हमने कोई सीरीज टी ट्वेंटी का जीता जीता नहीं है ये बात अब विराट कोहली की जो ये सेना है विराट की जो आर्मी है विराट ब्रिगेड एज कैप्टन विराट कोहली गलत साबित कर दिया बारह साल बाद हमने न्यूजीलैंड में जाकर पहला टी मुकाबला जीता लेकिन इस जीत में भी एक ऐसा हीरो था जो गुमनाम रह गया और वो था प्लेइंग 15 का हिस्सा बट नॉट इन प्लेइंग 11 संजू सैमसन इस पर आज बात करेंगे हमारे सहयोगी पत्रकार नीरज से नीरज आप बताइए मुझे संजू सैमसन के साथ किस तरीके का ये जो आई थिंक छलावा हो रहा है जिस तरीके से उनके साथ उनको टीम में रखते हैं इन फिफ्टीन रखते हैं प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बनाते विराट ने पंत को लेकर कह दिया था कि पंत हमारी टीम में इसलिए थे क्योंकि वो विकेट कीपिंग करते हैं बैटिंग टेक्निक उनकी जो है बिल्कुल पुअर है उनको सीखना पड़ेगा संजू के पास ऐसा क्या था कि संजू को आप नहीं रख सकते मनीष पांडे को रखा मनीष पांडे खेले अच्छा आज के मैच में हमने देखा कि लेकिन संजू को क्या मौका मिलेगा अगले

कर पाए किसी को चोट पहुंचेगा लेकिन लेकिन अगर नीरज अगर उनको यहाँ पे नहीं रखा गया संजू को तो इसके बाद हमें तीन ओडियाई खेलने की जगह पिकअप करके शिखर का एक बैकअप तैयार किया है लेकिन संजू का उनको विराट को ध्यान में रखना चाहिए उन्हें हम अगर टी में पिकअप कर रहे थे कहीं ना कहीं ओडियाई में उनकी जगह बनती थी वो इतने खराब नहीं खेलते हैं उनको एक बार नया मौका देना चाहिए मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ को पिकअप ना करके उन्हें संजू सैमसन को पिकअप करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही लंबे टाइम से टीम इंडिया के साथ चले आ रहे हैं और एक मैं कहता हूँ तो बैकअप बैक का वो निभा रहे हैं उन्हें मौका देना चाहिए था

एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला पा रहे हैं मिडिल ऑर्डर में पांडे जैसे

वो ऐसा मिलेगा नहीं धोनी की बात अगर मैं करूं तो धोनी हाँ। तो खैर आईपीएल में ही वापसी करेंगे हाँ। और कहीं ना कहीं उसके बाद ही टीम में उपलब्ध रहेंगे खैर धोनी की बात हम हटाए रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब मुकाबला खेला सिर्फ रन रन आई थिंक एक छक्का मारा उन्होंने हाँ। कैसी थी पारी रोहित शर्मा मुझे लगता है बड़े मैच के बड़े प्लेयर है जब इंडिया को उनकी जरूरत होती कहीं ना कहीं वो सामने उभर के आते हैं अगर नीरू हमेशा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रोहित शर्मा जो है शुरुआत के अगर दो मैचेस नहीं चले तो तीसरे में आके वो शतक लगाएंगे शतक लगाएंगे मुझे कहने के लगता है कि जो उनकी कंटिन्यूटी है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए था क्योंकि इंडिया को हर मैच में उनकी जरूरत है कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीम को एक अच्छे स्कोर पे लेना या रन चेज करना बड़ी चीजों को तो कहीं ना कहीं हर हर टाइम आप विराट पे वो नहीं कर सकते हो निर्भर नहीं रह सकते कि विराट आएंगे यानी कि जो दूसरा टी मुकाबला आई थिंक छब्बीस जनवरी को है ऑकलैंड में ऑकलैंड में होगा इडन पार्क में ही होगा देन uh, सबसे बड़ा दिन हमारे लिए भी है एज एन इंडियन हम सबके लिए yeah, बहुत बड़ा, बड़ा दिन, दिन है छब्बीस जनवरी और हम चाहते कि उस दिन इंडिया फिर जीते इंडिया फिर जीते लेकिन संजू <laughs> को भी रिपब्लिक डे में मौका नहीं मिलेगा इससे आई थिंक बड़ी बात नहीं हो सकती कोई संजू के लिए मुझे लगता है या तो तो में एक मैच खिला लेंगे विराट कोहली मुझे लगता है, कि हम बैक, बैक, है kai kai अगर हम तीनों टी ट्वेंटी मैच जीत जाते तो कहीं ना कहीं विराट सोच रहे की हाँ किसी नए प्लेयर को यानी कि से हम सीरीज जीत सकते हैं तो कहीं ना कहीं तीन मैच मैचिवली अगर हम जीत गए लगातार तो दो मैच में चेक कर सकते हैं अपने कहीं हमारे बैक स्ट्रेंथ में कोई कमी तो नहीं है वो चेक कर सकते हैं विराट कोहली डेफिनेटली और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाले क्योंकि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में हराना बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हम सब ये भी ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं विराट जो क्लीन स्वीप कर रहा है आई थिंक तीनों फॉर्मेट में टेस्ट ओडीआई और टी20 में तो संजू को तो खैर अब मौका मिल सकता है या नहीं ये देखना पड़ेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लेके बताइए तीन मैचेस अगर भारत जीतता है तो कहीं ना कहीं फिर दो मैचेस में विराट उनको ट्राई कर सकते हैं अगर संजू को मौका नहीं मिला कहां गया उनका करियर लवली दीजिए इजाजत देखते रहिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स